चलो, ए मास सस्पेंडेड सेपरेटली बाय टू डिफरेंट स्प्रिंग, अगर मैं इनको अलग अलग स्प्रिंग से ऑसिलेट कराता हूँ तो टाइम पीरियड T1 T2 है। अब मैं दोनों को कंबाइंड करके ऑसिलेट करा रहा हूँ तो टाइम पीरियड T0 है, तो T1 T2 T0 में रिलेशन निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और ब्लॉक का मास M है, टाइम पीरियड T1 है, तो मैं जब ऑसिलेट कराया तो टाइम पीरियड 2π, टाइम पीरियड को स्मॉल T1 से रिप्रेजेंट करो, तो स्मॉल T1 इज इक्वल टू 2π M बाई K1 पहले केस में है। अब तुम यहां से देख रहे हो, उसी तरह से मैं दूसरे केस में दूसरी स्प्रिंग लिया जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका टाइम पीरियड M है और T2 है, ये तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में? भाई ये आपको तो देखना पड़ेगा, इलोंगेशन सेम है, सेम इलोंगेशन है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो इनका इनको जब दोनों को जोड़ोगे तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट जो बनेगा वो K बनेगा और वो K1 + K2 होता है पैरेलल में। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से मैं K1 और K2 ला के रखूं और इधर रख दूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो यहां से जो K1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, K1 की वैल्यू आ जाएगी 4π² m डिवाइडेड बाई T1² ये पहले स्प्रिंग से। अब दूसरे स्प्रिंग से इसका टाइम पीरियड T2 इज इक्वल टू 2π m/K2, तो यहाँ से जो K2 मुझे दिखेगा वो 4π m और T2² ये रहा 4π, अरे स्क्वायर कहाँ छूट जा रहे हो, तो T2² यहाँ पे ये मैंने K1 K2 निकाल लिया अलग अलग स्प्रिंग का। अब इन इसके कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड निकालूं तब उसमें क्या इफेक्टिव आ जाएगा जिसका टाइम पीरियड T0 दिया हुआ, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए लगाऊं मैं तो टाइम पीरियड T0 इज इक्वल टू 2π m स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये वाला के इफेक्टिव अंडर रूट, तो यहाँ से जो के की वैल्यू बनेगी वो 4π² m और T0² दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ में आ गया बात, एक स्प्रिंग के लिए लगाया, दूसरे के लिए लगाया जैसा क्वेश्चन कह रहा था अलग अलग, फिर कॉम्बिनेशन के लिए टाइम पीरियड लगाया और ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए ये मेरे प्यारे बच्चों होता है, ऐसा होता है, सदियों से होता आ रहा है। तो यहाँ अब डाल दो, मतलब इनकी वैल्यू डाल दो, के इज इक्वल टू 4π² m T0² और K1 किधर गया भाई, K1 4π² m T1² + 4π² m T2², मतलब ये आ जाएगा T0 - 2 T1 - 2 T2 - 2 दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। हो, कोई नहीं 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 मतलब बी ऑप्शन सही हम लोग का, दिस इज द बी कहता है टोटल।